शोभा और आज मैं बनाने जा रही हूँ सूपी नूडल्स। तो आइए जानते हैं कि इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो ये देखिए, मैं 1.5 गिलास पानी ली हूँ, कटा हुआ बंद गोभी, कटी हुई बीन्स, कटा हुआ एक मीडियम साइज का टमाटर, कटा हुआ एक छोटा प्याज, कटा हुआ हरी मिर्च, हरा मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं, कटा हुआ शिमला मिर्च, कटा हुआ गाजर, नमक स्वाद अनुसार, क्योंकि मैगी के मसाले में भी नमक होता है। और ये मैं 2 पीस मैगी ली हूँ। अब आइए मैं गैस पे सबसे पहले पानी गर्म करूँगी, उसके बाद मैं इन सारी सब्जियों को उसमें डालूँगी। दोस्तों, यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो ये देखिए, मैं गैस पे सस्पेंड बैठा चुकी हूँ। अब मैं उसमें ये 1.5 गिलास पानी जो ली थी उसे मैं डाल रही हूँ। अब ये थोड़ी सी पानी गर्म होने दूंगी, गर्म होने के बाद मैं इन सारी सब्जियों को उसमें डालूंगी। तो ये देखिए, हमारा पानी अब थोड़ा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें बंदा गोभी डालूंगी, बंद गोभी, बीन्स डालूंगी, कटा हुआ टमाटर डालूंगी, कटा हुआ हरी मिर्च, कटा हुआ शिमला मिर्च, कटा हुआ गाजर। अब इन सारी चीज़ों को थोड़ी देर के लिए पकने दूंगी। इसी में मैं ये नमक भी डाल देती हूँ ताकि इसके साथ ये पक जाए। ये देखिए, हमारा ये सब्जी अभी हाफ बॉईल हो चुका है। अब मैं इसमें ये मैगी डालूंगी इस तरह से तोड़ करके। तो ये देखिए, अब इस मैगी को डाल के अच्छी तरह से मिलाना है। 2 से 3 मिनट पकने के बाद मैं इसमें मैगी मसाला फिर डालूंगी। ये देखिए, ये मैगी भी हमारा थोड़ा सा पक चुका है। अब मैं इसमें ये मसाला डालूंगी, मैगी मसाला इस तरह से डाल के फिर इसे भी हमें मिलाना है। ये देखिए इस तरह से। अब इसे मिलाते हुए हल्का हल्का ऐसे प्रेस कीजिएगा, दबा करके, ताकि थोड़ा सा सब्जी का रस इसमें अच्छी तरह से मिल जाए और मैगी भी थोड़ा सा गले, तब इसका सूप बहुत अच्छा बनता है, गाढ़ा। तो ये देखिए, अभी हमारा मैगी सूपी नूडल्स बनके अच्छी तरह से तैयार है। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। दोस्तों, ये देखिए, हमारा मैगी बनके अब रेडी है। तो यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।